द चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इसमें हम लोग अलग अलग फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फिजिकल फीचर्स में क्या आते हैं, जैसे माउंटेन्स है, प्लेटूज है, फिर डेजर्ट है, उस तरह से आइलैंड्स है. हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो इंडिया में प्रैक्टिकली सारा मेजर फिजिकल फीचर्स इंडिया में हैं, और ये बहुत यूनिक बात है क्योंकि एक कंट्री में इतना सारा अलग अलग फिजिकल फीचर्स ज़रूरी नहीं है कि होगा. तो इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. During geological formations, a number of processes such as weathering, erosion, deposition have created and modified the relief to its present form. Relief, India जो आज landmass है, जैसा हम लोगों को पता है, वो ऐसा हमेशा से नहीं था. Actually, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो नया book के portion से हटा दिया गया है, but एक brief idea के लिए बता रहे हैं कि पहले India, Australia, ये सब कुछ एक और साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब एक सिंगल लैंड था जिसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड. तो सोचो कितना बड़ा ज़मीन है, क्योंकि इतना सारा बड़ा बड़ा कंट्री सब एक साथ था. लेकिन अर्थ के नीचे तो टेक्टोनिक प्लेट्स है, 7 या 8 टेक्टोनिक प्लेट है जो लगातार हिलते रहता है. इस तरह से प्लेट्स है, तो हिलने की वजह से क्या हुआ, ये प्लेट टूट गया, इंडिया का पोर्शन टूट गया और वो ऊपर की तरफ चला गया. तो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बींग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ. वो ऊपर की तरफ आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ आया, आकर वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गया. तो टकराने से क्या हुआ, यहाँ का जो भी मट्टी था, सॉयल था, जो भी था, वो सब ऊपर निकल गया और हिमालय बन गया. और इस तरह से इंडिया में हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ. सो द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द तेथिस सी एंड द सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन. तब इस तरह से जब हिमालय जाकर वहाँ से टकराया, कोई चीज़ अगर बहुत ऊंचा हो गया तो उसके पास का पोर्शन नीचा हो गया. तो हिमालय इतना ऊंचा है, फिर नॉर्दर्न प्लेन है, उसके बाद प्लेटूज है. इस तरह से हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो ये सब बहुत साल पहले हुआ है. जोग्राफिकली स्पीकिंग हिमालयस अभी भी यंग माउंटेन्स में आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है. ऐसे हम लोग को लगेगा कि 1 लाख ईयर्स या कितना साल पुराना है, तो बहुत एज है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन जोग्राफिकली वो काफ़ी कम होता है. पेनिनसुलर प्लेटू बहुत पुराना लैंडमास है. अब हम लोग एक एक करके सब फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स. The Himalayas, geologically young and structurally fold, mountains stretch over the northern borders of India. पूरे northern border में है वो, west से east की तरफ आता है, मतलब इस direction में वो है. Indus, Brahmaputra ये सब flow करता है. Himalayas में बहुत ऊँचा peaks है, किसी का range 6000 है, किसी का और ज़्यादा है, किसी का कम है, और बहुत सारा continuous भी है. ये एक आर्क के शेप में है, आर्क का शेप इसको बोलते हैं, या इसको, तो ये जो शेप समझ में आ रहा है इस तरह से, तो ये एक आर्क के शेप में है. कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक में है. कश्मीर में ये 400 किलोमीटर विथ है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर का विथ है. हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़े हैं. सबसे ऊपर का जो रेंज है उसको हिमाद्री बोलते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स है वो यहीं पर है. एवरेज हाइट 6000 मीटर है. इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. हिमाद्री का दूसरा नाम इनर हिमालयाज भी है. उसके बाद ग्रेट फोल्ड्स एसिमेट्रिकल इन नेचर है. जो हिमालयाज में पहाड़ है, कोई भी पहाड़ है, वो एसिमेट्रिकल होता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरह से. हिमालयाज मेनली ग्रेनाइट से बना हुआ है, एक तरह का मिनरल होता है ये. इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड, मतलब वो पूरे साल ऊपर में बर्फ से ढका हुआ रहता है, और बहुत सारा ग्लेशियर्स है, फिर वहाँ से बहुत सारा रिवर्स निकलता है. हिमाद्री के बाद, हिमाद्री को बोलते हैं इनर हिमालयाज, उसके बाद आता है लेसर हिमालयाज, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं. द रेंजेस आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. इसका हाइट एवरेज 3700 to 4500 मीटर्स. पीरपंजल रेंज मतलब क्या होता है, पहाड़ लगातार होना. एक लगातार जब पहाड़ होता है इस तरह से, तब उसको रेंज बोला जाता है.
तो एक फेमस रेंज है पीरपंजल रेंज, जो कि लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, इस तरह से काफ़ी और इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। इन रेंजेस के बीच में वैलीज भी होता है। वैलीज मतलब दो पहाड़ के बीच में कहीं एक प्लेन जगह है थोड़ा, जहाँ पूरा शहर बसा हुआ है। तो कंगरा वैली, कुल्लू वैली, इस तरह से वैलीज है। ये सब में हिल स्टेशंस भी होता है। इसके बाद जो तीसरा रेंज है वो शिवालिक रेंज है। शिवालिक का एवरेज हाइट और कम गया, 900 to 1100 हो गया, और इसका विथ भी कम है। दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। नॉर्थ से जब रिवर्स और बह बह कर आ रहा है, तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है। वो शिवालिक में डिपॉजिट होता है। सारा शिवालिक में नहीं डिपॉजिट होता है, क्योंकि बहुत सारा नॉर्दर्न प्लेन्स में भी डिपॉजिट होता है। द वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। एलुवियम बहुत ज़्यादा होता है, तो फर्टाइल है। द लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स। इसलिए जगह का नाम होता है देहरादून, कोतली दून, इस तरह से। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैलीज है उसको दुन्स बोलते हैं। ये तो हिमालयाज का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन था। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब हम लोग इस तरह से तीन रेंज में डिवाइड कर दिए। हिमालयाज को नदी के बेसिस में भी बांटा गया है। तो वेस्ट से ईस्ट में कौन सा नदी फ्लो करता है, उसके बेसिस पे भी हिमालयाज को डिवाइड किया गया है। जो हिमालयाज इंदस और सतलज के बीच में आता है, उसको बोला जाता है, इस पोर्शन को बोला जाता है कश्मीर हिमालयाज या पंजाब हिमालयाज। मोस्ट पहले नाम पंजाब हिमालय है, लेकिन उसको लोकली लोग कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। फिर सतलज और काली रिवर्स के बीच का जो हिमालयाज है, उसको बोला जाता है कुमाऊन हिमालय। काली और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयाज, क्योंकि तिस्ता रिवर यहाँ फ्लो कर रहा है और नेपाल आ गया यहाँ पर। फिर तिस्ता और दिहांग के बीच में बोला जाता है असम हिमालयाज। तो कौन सा रिवर के बीच में कौन सा हिमालय आता है, वो लर्न करना है। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ब्रह्मपुत्र जब फ्लो करता है इस तरह से, तो जब वो वहां से टर्न लेता है इस तरह, तो हिमालयाज भी देखो मुड़ गया, वो और आगे नहीं बढ़ा। तो इसीलिए बोला गया ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। इस रेंज को पूर्वांचल रेंज बोलते हैं, जो कि ईस्टर्न में है। बहुत सारा हिल्स है यहाँ पर, गारो हिल्स, खासी हिल्स, इस तरह से हिल्स का नाम है। ये सब में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो डेंस फॉरेस्ट भी है। ये रहा पूर्वांचल रेंज का कुछ कुछ हिल्स, पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, इस तरह से। So this is all about the Himalayas. In next video, we'll start with the northern plains.